अस्सलाम प्यारे बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। आज का अमल बहुत ही ख़ास है, बहुत से बहन भाइयों के कहने पर के मोकलात फरिश्ते मोकिल क्या ये भी काम करते हैं, आज उन्हीं का ख़ास अमल मैं आपको बताऊंगी। अमल मोकिल है ये, मोकल की ताकत जो आपने कभी देखी नहीं, कभी आपने इस चीज़ को जाना नहीं कि अमल कैसे कामयाब होता है मोकलात का, आज मैं वो तरीका आपको समझाऊंगी। बहुत बाबरकत है, अल्लाह के कलाम के मोकिल हैं, मदद हासिल करें और ये अमल करें। बहुत आसान अमल है। उससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से शुरू करते हैं। जब तुम में से कोई शख्स को कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, कोई तकलीफ़ हो तो अल्लाह पाक से मदद मांगो, अल्लाह पाक फौरन आपकी पुकार को सुनते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी होती, कोई दुख तकलीफ़ परेशानी या कोई बीमारी भी लाहक होती, आप अल्लाह पाक से दुआ करते और फरियाद करते। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि आप भी अल्लाह पाक से मदद हासिल करो, वो आपकी मुश्किल परेशानी को ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। अमले मोकिल एक ख़ास तरीके से अमले मोकिल का अमल किया जाता है। वक्त इशा की नमाज का, रात का, तहज्जुद का या इशा की नमाज का, दिन जुमेरात, दिन जुमेरात, वक्त इशा का रख लें या तहज्जुद का रख लें, वो आपको जैसे पसंद हो कोई सा भी दिन टाइम रख लें, ठीक है, लेकिन दिन का ना रखें, ठीक है। दिन जुमेरात का हो, बुध का हो, जुमातुल मुबारक का हो, दिन रख लें। दुरूद पाक 3 बार, नमाज लाजिम है, अमल की तादाद 3 बार, सिर्फ 3 बार इसको पढ़ना है। अब पढ़ने का ख़ास तरीका मैं आपको समझाने लगी हूँ, आप पहले वो समझ लें, ठीक है। या कादिरु हाजिर शु, या कादिरु हाजिर शु, फलां हाजिर कर, फलां आपका प्यार जिसे आप बुला रहे हैं, इब्ने फलां उसकी माँ का नाम नहीं तो अम्मा हवा लिख लें, ठीक है, फलां इब्ने फलां उसको हाजिर कर, नक्श बनाएं, ठीक है, नक्श बनाना है ये वाला, नक्श कागज़ पर बनाएं, कागज़ पर बना कर, ठीक है, आपने नक्श कितना बनाना है, बस इतना, नीचे वाला फलां इब्ने फलां को नहीं लिखना। या कादिरु, तीन बार पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका आप गौर से सुनिएगा, या कादिरु फलां इब्ने फलां को हाजिर कर, नक्श के ऊपर आपने लिखा, नक्श के ऊपर आपने लिखा इस लफ्ज़ों को और नक्श तैयार कर लिया, पढ़ना क्या है, या कादिरु फलां इब्ने फलां को हाजिर कर। दूसरी मर्तबा क्या पढ़ेंगे, या वदूदु फलां इब्ने फलां को हाजिर कर। तीसरी दफ़ा क्या पढ़ेंगे, या कादिरु फलां इब्ने फलां को हाजिर कर, आपका प्यारा हाजिर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब एक गिलास पानी लेना, मैंने कोशिश की है गिलास बनाने की तो पता नहीं ये ठीक बना है कि नहीं, तो मुझे जिस तरह समझ आई मैंने आपको समझाने के लिए गिलास बनाने की कोशिश की है, तो अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मासरत। ये नक्श इस गिलास में डाल देना है, पानी में, पानी एक गिलास लें उसमें ये नक्श डाल दें। अब जब आपने ये नक्श पे भी लिखा हुआ, ये लिखा है ना, ठीक है, नक्श इस तरह का बनाना है, ये देखिए बीच में मैंने लिखा हुआ है, या कादिरु फलां इब्ने फलां को हाजिर कर, समझे ये एक गिलास का पानी है, गौर से देखिएगा मेरी बात को, समझने की बस आपको कोशिश है, ये समझें कि एक गिलास पानी है, ये आपने इसके अंदर नक्श पानी में छोड़ दिया। अब जब आपने नक्श पानी में छोड़ दिया, अब आपने इसको ज़ोर ज़ोर से, पानी में जब ये भीग जाएगा ना तो ये हिलेगा, इस पर पानी इसलिए नहीं मैंने डाला कि वो फिर सारा अमल ख़राब ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, तो फिर ये इस तरह पानी में इसको जितनी ज़ोर से हिलाएंगे ना,
आपके प्यारे का दिल उतना बेचैन होगा, ठीक है, जितनी ज़ोर से हिलाएंगे। या कादिरु फला बिन फला को हासिर कर, ये मोकिल की ताकत का अमल है, कादिरु के मोकिल हैं, तो वो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बफ़ज़ल अल्लाह, तो अल्लाह जी अल्लाह पाक जी उनसे हर चीज़ पे कादिर हैं, तो इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। इस अमल को करने के लिए, ठीक है, इस अमल को करने के लिए एक बात याद रखें, कभी गलती ना कीजिएगा। अमल बहुत ताकतवर है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं, नाजायज़ का इस्तेमाल नहीं। आपकी बहन इतने बड़े बड़े अमल आपको बता रही है, इसमें कोई नाजायज़ चीज़ का इस्तेमाल का, ये बहुत पावरफुल अमल है। एक दफ़ा ज़रूर बहनें भी कर सकती हैं, भाई भी कर सकते हैं, एक दफ़ा ज़रूर करें, 3 दिन ये अमल करें। जब एक दफ़ा आप अमल करते हैं ना, या कादिरु या वदूदु, आप पुकारते हैं अपने प्यारे को, ठीक है ना, तो सुबह तक का टाइम होता है। बोला कि आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत, आपका प्यार अल्लाह पाक भी देख रहे होते हैं, दिल आपका देख रहे होते हैं, तो बेशक नक्श और पानी यही रहने दें, ये पुकारने वाला काम जो उनसा है आप कर लें। अगर ग्लास है तो किसी बोतल में डाल लें, उसको ज़ोर से हिलाना शुरू कर दें। जैसे आप कोई मतलब कि बोतल ले लेते हैं या कोई ऐसी चीज़ ले लेते हैं कि जिसमें आपको हिलाने में आसान, जैसे आप ग्लास में पता गिर जाएगा, बंद डब्बा होगा या बंद चीज़ होगी, तो जैसे ये है, आप इस नक्श को समझ लें, एक बोतल है और उसके अंदर इस नक्श को लिखकर, छोटा सा मतलब कि लिखकर आपने डाला और फिर ऐसे इसको हिला दिया, तो जितना आप इसको हिलाएंगे पानी में रहेगा, उसका दिल पानी में डूबा रहेगा, बहुत खूबसूरत है। कोई भी आपको नहीं बताएगा, कोई भी मेरी अमलियात जो होंगे वो आपको नहीं बताएगा, और क्योंकि हमारा माशाल्लाह पूरा मतलब कि बैग जो उनसा है वो माशाल्लाह नक्शबंदी का है, तो मैं सिर्फ उनकी ताकत आपको समझा रही हूँ कि ये अमल करें, इंशाल्लाह आप कामयाब हो। इसी के साथ अपनी बहन को इजाज़त दें, कोई अमल की बात समझ ना आए तो ज़रूर पूछें। जज़ाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान, ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तखारा भी करवा सकते हैं। जज़ाकल्ला। और अगर आपने इस्तखारा करवाना है तभी रब्ता करें, अगर इस्तखारा नहीं करवाना तो ये दीन है, ये कोई फ़न या एंटरटेनमेंट नहीं है, अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करें। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती। जज़ाकल्ला।